बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वी आर गोइंग टू डिलीवर लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 2। हम चैप्टर 2 का तीसरा लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं आज। और ये हमारे पास डिस्क्राइब द वेक्टर एडिशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आपने वेक्टर एडिशन बताना है, वेक्टरों को ऐड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शक्ल में, ठीक है? यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टरों को आपने ऐड करना है, ठीक है? कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम एंड एम पी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अभी मैं डायग्राम इधर आएगी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बाई हेड टू टेल रूल आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेट आर एक्स एंड आर वाई आर द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। वी कैन राइट एज, अच्छा जी ये देखिए, मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको, दो वेक्टर हैं, एक ए है, इधर देखें ये वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी। तो ये ओ एम लाइन है और एम पी लाइन या एम पी वेक्टर हमारे पास होगा ये है, ठीक है? ये देखें ओ एम, क्या ये ओ एम, ठीक है, ये एम है पॉइंट। तो ये वेक्टर थीटा ए बना रहा है और दूसरा क्या है थीटा बी बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा बी बना रहा है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको ऐड कर लें, क्या कर लें, इनको ऐड कर लें, इसका हेड के साथ इसका टेल लगा दें। ये देखें हमने लगा दिए यहाँ पे, ये हमारे पास वही वेक्टर थीटा ए है यहाँ पे, ये क्या है थीटा ए वेक्टर, ये क्या है थीटा बी वेक्टर, क्लियर? तो बाकी हम इसका जो टेल है उसके साथ आखिरी वेक्टर का हेड मिला देंगे और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ से आप एम से पहले क्या करें, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यानी अमूद गिराएं। दूसरा पी पॉइंट से आप आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है, और इधर से एम से आप एक परपेंडिकुलर पी आर पे ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास क्या ए एक्स आ जाएगा और ये दूसरा जो है ए वाई, जो वाई की डायरेक्शन में है, ठीक है? इसी तरीके से ये एस आर के बराबर होगा तो हम इधर कर देंगे इसको, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है ओ आर और दूसरा जो बी है उसमें एम एस जो है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एस पी जो है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये बी वाई हो जाएगा, ठीक है? अब हम इनको एक्सप्लेन कर दें, आर एक्स किसके बराबर होगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है? आर एक्स आ गया और इस तरह से आर वाई हमारे पास क्या हो जाएगा ए वाई और बी वाई। अब इनको हम पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक पुट कर लेंगे और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये रिजल्टेंट आर आ जाएगा। समझ आया आपको? क्लियर? वो जो ये हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ ए, वो इधर इसने बी रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ताकि आप इसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, वो फिगर लिए ना बुक से, तो आप इसको यहाँ पे ना भी ड्रॉ करें तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? हमें सिर्फ इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पहले हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको ऐड कर दें, हमारे पास वेक्टर आर आ जाएगा, फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर एम से भी गिरा दें, पी से भी गिरा दें, और जो एक्स की साइड पे हैं वो सारे आर एक्स हो जाएंगे, जो वाई की साइड पे आएंगे वो सारे क्या होंगे आर वाई हो जाएंगे। आर वाई क्या हो, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है? और इस तरह से आर एक्स क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है जी? तो अब मैं इसको दोबारा से देखता हूँ, आप समझ जाएंगे। बाई हेड टू टेल रूल आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर एक्स एंड आर वाई आर द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है? अब आपको पता चल गया कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
फिर जो एक्स के लॉन्ग है वो ए एक्स, ए वाई, वाई के लॉन्ग है ए वाई और बी वाई, जो एक्स के लॉन्ग है ए एक्स और बी एक्स, इसके पैरेलल है ये, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने दोबारा फिगर को भी इधर लिखा है ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा जी, अब आप रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर आर, वो किसके बराबर होगा? आर एक्स आई हैड प्लस आर वाई जे हैड। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्या करेंगे? पहले तो आर एक्स ले लें। क्या करें? आर एक्स ले लें। आर एक्स क्या था? ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये फ्रॉम द फिगर, फिगर में आप देखें ओ आर, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ये ए एक्स और बी एक्स यहाँ दर्ज कर दें। ये देखें हमारे पास ये आ जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये वेक्टर ही है। इसी तरीके से हम लेते हैं जी आर वाई। ठीक है, तो वो क्या है? आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। ठीक है, आर एस प्लस एस पी, तो ये ए वाई प्लस बी वाई हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके। ठीक है, क्लियर। तो ये इक्वेशन हमारे पास 3 आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप इसमें दर्ज करेंगे, ये इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? अब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी बाद में लिखते हैं। चलो, अब ये आर एक्स क्या था? ए एक्स प्लस बी एक्स आई हैड, और आर वाई क्या है? ए वाई प्लस बी वाई जे हैड। ठीक है, अब इसका टेकिंग मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? मैग्नीट्यूड में ये अकेला भी लिखें तो इट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड, आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये सारे का सारा स्क्वेयर हो जाएगा, ये भी स्क्वेयर हो जाएगा, दरमियान में आप प्लस लगा देंगे और स्क्वेयर रूट लगा देंगे या अंडर रूट लगा देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्ट आप लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, विच इज़ दी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड? ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद है बात आपको समझ आ गई। ये पैथागोरस थ्योरम ही है, उसके मुताबिक ही। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डायरेक्ट स्केयर लगा के, दरमियान में प्लस लगा के, अंडर रूट या स्केयर रूट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं जी, डायरेक्शन मालूम करनी है। तो वो जाहिर है आपको पता है, टेन थीटा लगाते हैं, पहले भी किया है, बस हम क्या करें, टेन थीटा लगा देते हैं। तो वो क्या होगा? टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ये पहले भी हमने किया ना, डायरेक्ट लिख दिया इसको। तो यहाँ पे आप ए वाई की वैल्यू, सॉरी ये आर वाई यहाँ पे आएगा, अभी को ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या आएगा यहाँ पे? आर वाई, अच्छा उसको हाईलाइट करते हैं। आर वाई, और नीचे भी हम लिखेंगे आर एक्स, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ओवर हाई बेस आ जाएगा। क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये ठीक है, आर वाई की वैल्यू क्या थी? ए वाई प्लस बी वाई। आर एक्स की वैल्यू क्या थी? ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है जी, डायरेक्ट लिख दिया, वॉज टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। इस तरह से हमने इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। वो पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने इसको टेन थीटा आर वाई ओवर आर एक्स लिख दिया था, अब हमने टेन इनवर्स की फॉर्म में ही लिख दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जनरलाइज जितने वेक्टर हो हम उनको सबको इसी तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट मालूम कर लेंगे। इफ आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए बी सी डी, जितने भी जा रहे हैं, देन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बिकम, वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आप क्या करें, ये क्या है? y है,
और ये क्या है, एक्स है इधर, फिर वो हमारे पास क्या है, एक्स आना चाहिए, गलती से लिखा गया। कोई बात नहीं, अब इतनी एडिटिंग यहाँ कर सकते हैं, फिर क्या हुआ, गलती हो सकती है भाई, हम भी आप जैसे इंसान हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये था नीचे एक्स है, ऊपर क्या है, वाई है, तो ये एक्स वाले सारे ए एक्स बी एक्स सी एक्स चलते हैं, जितने भी है स्क्वेयर ले लें। इस तरह से वाई वाला क्या लिखेंगे, इसका भी स्क्वेयर ले लेंगे। ठीक है, बात समझ आई आपको? ये जैसे हमने यहाँ पे किया कि किधर गया, तो यहाँ पे हमने क्या था अगले पेज पे, कि ये हमारे पास क्या आया था, सिर्फ दो वेक्टरों को ऐड किया था हमने। ठीक है, क्या किया था, दो वेक्टरों को ऐड किया था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे वेक्टर हैं, हमें पता नहीं, बस इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ए एक्स है, ए वाई है, बी एक्स है, बी वाई है, सी एक्स है, डी एक्स है, डी वाई है, इस तरह करते जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, यानी जितने भी वेक्टर होंगे सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, या उनका रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा बाई रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर टेन इनवर्स लेते हैं तो उसमें भी एंगल सबका क्या होगा, पहले जो है वो आप क्या करें कि ये इधर भी चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, पहले ऊपर जो है वाई ले लें, नीचे क्या करें हम एक्स ले लेंगे, क्या करेंगे एक्स ले लेंगे, क्या करेंगे एक्स ले लेंगे, तो ये जितने भी होंगे हम इनको क्या करेंगे, एड अप कर देंगे, तो ये इसमें पुट करने के बाद एड अप करके फिर डिवाइड करके टेन इनवर्स ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो एंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ये हमें पता चल जाएगा, ये वेक्टर की डायरेक्शन है। चलें, थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।